हेलो जी, अब नेक्स्ट जो हमारा असाइनमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि अब आपके पास आ गई शेप्स। पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसमें आपको मैंने जो है, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं क्या क्या चीज़, पहले तो मैंने लाइन क्वालिटी के हवाले से आपको गाइड किया है कि आप लाइन क्वालिटी से किस तरह अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पेंसिल्स के हवाले से गाइड किया कि आप किस तरह की पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं बी सीरीज़ में, एच सीरीज़ में। उसके बाद मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि आप लाइन क्वालिटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइंस लगाएं पेज पे, बार बार प्रैक्टिस करें। आपने डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और कम से कम मिनिमम आपने 2 वीक्स तो इसे करना है और 1 घंटा लाजमी इस ड्राइंग को दें। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि शेडिंग टाइप्स क्या होती हैं। शेडिंग की टाइप्स आपको मैंने बताई हैं जिसमें आपने फ्लैट शेडिंग है, राउंड शेडिंग है, उसके अलावा बैनर शेडिंग है, पिरामिड शेडिंग है, उसके अलावा वैल्यू स्केल आपको बताया था कि वैल्यू स्केल आपने जो ड्रॉ करना है उस चीज़ को फॉलो करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ हैचिंग, टाइप ऑफ जो है शेडिंग किस तरह की है, हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, स्ट्रिपलिंग है और ब्लेंडिंग। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह बेसिक शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। पहले आपके पास एक प्लेन पेज होना चाहिए। आप एक पेज है उसको अपने बोर्ड पे लगाएं, ड्राइंग बोर्ड पे थ्रू थंब टैग्स। अच्छा, जब आपके पास एक पेज आ जाएगा उस पेज पे फिर आपने देखना है कि आपने किस तरह ये थंब टैग्स के साथ आपने इसे लगा लेने। उसके बाद जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ बेसिक शेप है और उनके बारे में जिस तरह आपको वैल्यू स्केल का बताया था, वैल्यू स्केल के ऊपर बना हुआ है, तो आप सेम इस तरह एक आप ये पूरा एक पेज बनाएं जिसके अंदर कुछ ब्लॉक्स जो हैं खाली हों A4 का, और उसमें आपके पास ये 3-4 तरह की शेप्स होनी चाहिए। 4 तरह की शेप्स को आपने 3 दफ़ा प्रैक्टिस करना है, हर शेप को 3 दफ़ा 3 टाइम करना है। तो उसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो ब्लॉक आपके पास खाली हैं इन ब्लॉक्स को आपने शेडिंग के थ्रू फिल करना है, प्रैक्टिस करनी है इसी तरह जिस तरह यहाँ पे है, और वो पेंसिल जो है बी सीरीज़ की और एच सीरीज़ की पेंसिल्स के थ्रू आपने यहाँ पे शेडिंग करनी है। पहले एक आपने वैल्यू स्केल बना लेना है, उसके बाद आपने शेप देखनी है। तो जिस तरह यहाँ पे आप ये शेप देख रहे हैं कि हम इसको देख के ही किस तरह हम इसको ड्रॉ कर सकते, तो आपने इसके एंगल्स को देखना है कि एंगल्स किस डायरेक्शन में है। तो आपने पहले उस एंगल को लाइट सी लाइन आपने फ़िलहाल स्टार्टिंग में लगानी है ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो जो मिस्टेक है वो प्रोमिनेंट ना हो। तो आपने फिर ये दूसरे एंगल को देखना है, सेम यहाँ पे भी आपने इस तरह ही इसको फॉलो करना है, फिर सेम ये इस ड्राइंग को, ये आपके पास ऊपर वाला एरिया आ गया। उसके बाद सेम आपने इसको वर्टिकली नीचे ड्रॉ करना है लाइन्स को 90 के एंगल्स में, और इसको देखें कि यहाँ से कितना ये पॉइंट आ रहा है। सेम ये दोनों पॉइंट एक ही लेवल पे हैं, तो आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, फिर इन पॉइंट्स के साथ आपने इस पॉइंट को जोड़ना है। जब आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ के पास एक बेसिक शेप आ गया। अब इसको आपने प्रोमिनेंट करना है, आपने प्रोमिनेंट करना है डार्क पेंसिल से। आप B2B भी ले सकते हैं, 6B भी ले सकते हैं और 3B ले सकते हैं। इस टाइम पे मैं 3B के साथ इसको डार्क कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी वाजिया फ़र्क है, जो बैक वाली लाइन थी वो लाइट पेंसिल के साथ थी इसीलिए वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी। अब जब मैंने इसे डार्क किया है तो डार्क के साथ ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई। पेज आपने मूव नहीं करना, आपने अपने हाथ के साथ ही मूवमेंट को रखना है। जितना जल्दी आप ग्रिप करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। लाइन क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको बाद में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके पास एक बेसिक शेप आ गई। अब इस बेसिक शेप में ही आपने ये देखें, जैसे ये टोन है, ये हमारे पास तकरीबन ये वाली टोन आ रही है, तो हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास वैल्यू कार्ड होगा, वैल्यू स्केल बना होगा, तो उस स्केल के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्राइंग मैंने आपको करके दिखाई है कि आपने किस तरह इस चीज़ को
फॉलो करना है। और यहाँ पे किस तरह आप इसे लेके दूसरी तरफ भी दोबारा से इसे बनाएं, कम से कम 2 से 3 दफ़ा इसे प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ आपका सेट होगा। जैसा यहाँ पे देखें, अपने शेड्स और शेडोज़ को लाजमी देखना है, लाइट और डार्क टोन को भी देखना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग उतनी जल्दी आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये क्लास इतनी ही थी, और आप इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी शेप्स भी ड्रॉ करके बताऊंगा कि आप इनको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।